गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले द अर्ली स्टेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। द पीरियड ऑफ 600 बीसी ऑनवर्ड टूवर्ड द प्रेजेंट सो अ रैपिड चेंज इन सोसाइटी। जो बात करते हैं, जो पीरियड है 600 बीसी से आने आगे वाला, वहाँ पर रैपिड चेंज देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर। बहुत जल्दी जल्दी चेंज देखने को मिल रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ विलेजेस फॉर्म ऑफिस। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल सिस्टम किसका, विलेजेस का, जो कि क्या बना लेते हैं, विश बना लेते हैं। और जो बहुत सारी विश हैं जो है, उससे क्या बनता है, जनपदा बनने वाला है। यानी सेवरल विलेज से बना विश, और विश के कलेक्शन से क्या बना, जनपदा। दिस जनपदा वॉज हेडेड बाय जनापति। और इस जनपदा है, इसका जो हेड होता है वो कौन होता है, जनापति होता है, जनपति होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस जनपदा ग्रू इन स्टैच्योर एज अ स्ट्रॉन्ग पोलिटिकल एंटिटी। और आने वाले टाइम में जनपदा हैं ये आपकी महाजनपदा में कन्वर्ट हो चुकी हैं। बाय 200 BC देयर वर टोटल 16 महाजनपदा। और 200 BC तक आते आते उस समय 16 महाजनपदा आपकी बन चुकी हैं। तो स्टार्ट कर, जनपदा होता क्या है। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर जना पीपल सेट देयर फूट एंड सेटल डाउन। अब बात करें, जनपदा का मतलब होता है जन, यानी ऐसे मतलब जनपदा मतलब जन, यानी जहाँ पर लोग आके रहने लग जाते हैं उस एरिया को बोलते हैं जनपदा। एज जना और ट्राइब बिकम आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर टेरिटरी। बात करें, जो जना है या फिर ट्राइब है, वो आपकी आइडेंटिफाई हो जाती है पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर। राजा ऑफ जना बिकेम द किंग ऑफ किंगडम ऑफ जनपदा। जो राजा होते हैं जना के, वो क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं जनपदा के। और उसके बाद आता है महाजनपदा। महाजनपदा अब 200 BC तक 16 महाजनपदा थी, है ना। तो पहली थी अंग, जो कि भागलपुर के नाम से, मगधा, पटना, काशी, वाराणसी, कौशल, रीजन ऑफ अवध, वाजी, नॉर्थ बिहार, और कुरु, जिसको दिल्ली के नाम से, वत्स, इलाहाबाद, मत्स्य, जयपुर, पांचाल, बरेली, ठीक है, अवंती, उज्जैन, कंबोज, अफगानिस्तान। तो ये कुछ मेन मेन महाजनपदा हैं उस समय के। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, द महाजनपदा वर बेसिकली ऑफ टू टाइप। महाजनपदा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, पहला है मोनार्की, दूसरा है रिपब्लिक। मोनार्की और रिपब्लिक, दोज महाजनपदा डेट वर रूल्ड बाय इंडिविजुअल किंग। यानी एक ऐसी महाजनपदा जहाँ पर एक किंग है, यानी वन किंग रूल कर रहा है, उसे बोलते मोनार्की। वाइल दोज डेट वर गवर्न बाय काउंसिल ऑफ रूलर। और कुछ ऐसी महाजनपदा जहाँ पर ग्रुप ऑफ रूलर्स है, काउंसिल ऑफ रूलर बना रखा है, उसे बोलते रिपब्लिक या फिर गणसंघ को बोला जाता है, या फिर मोनार्की और रिपब्लिक के नाम से भी इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मोनार्की के बारे में पढ़ते हैं। द मोनार्कियल महाजनपदा वर रूल्ड बाय किंग। जो मोनार्कियल महाजनपदा होती है वो रूल्ड बाय होती है इंडिविजुअल किंग, यानी एक सिंगल किंग उसको रूल करने वाला होता है। और मैनी ऑफ द किंग ऑफ द महाजनपदा बिकम वेरी पावरफुल एंड मोनार्की बिकम द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट। अब बात करते हैं, यहाँ पर जो महाजनपदा है वो अपने आप में काफ़ी पावरफुल हो जाती है, और जो मोनार्की है वो स्टेट और गवर्नमेंट भी बना लेती है। किंगशिप वॉज हेरिडेटरी। और जो किंगशिप होती है उस समय हेरिडेटरी थी, यानी कि मान लो कि कोई किंग है, उसका जो एल्डेस्ट सन है, वो आने वाले टाइम में वो भी क्या बन जाएगा, किंग बन जाएगा। द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड द किंगडम एंड बिकम किंग आफ्टर द फादर। द किंग केम टू सिम्बलाइज द स्टेट। और जो किंग है वो स्टेट का सिंबल होता है एक तरह से। ही हैड एब्सोल्यूट पावर, उसके पास पूरी पावर होती है, और रिगार्डेड एज द प्रोटेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड धर्म। और उस सोसाइटी के अंदर, है ना, जो भी है उनको मैनेज करना है, उनको मेंटेन करके रखना है, काम इसका है, किंग का है। यानी उसके पास पूरी पावर है, और उसका काम क्या है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना सोसाइटी को, धर्म को, उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर। ही वॉज असिस्टेड बाय ऑफिशियल मिनिस्टर वाइल गवर्निंग। यानी अमत्या क्या है, ऑफिशियल मिनिस्टर, यानी जो उसकी हेल्प करने के लिए कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, और साथ में सेनापति, जो कि आने वाले टाइम में, यानी बाकी जो स्टेट्स उनकी लैंड वगैरह पर अगर उनको अटैक करना है तो उस समय उसकी हेल्प करेगा सेनापति, ठीक है। सेनापति वाइल कंक्वेरिंग अदर लैंड्स एंड फाइटिंग में काम में आने वाला सेनापति जनरली यहाँ पर। एंड बाय द पुरोहित वाइल्ड परफॉर्म रिलीजियस एंड सोशल ड्यूटीज। और रिलीजियस सोशल ड्यूटी के लिए वहाँ पर पुरोहित उन्होंने अपॉइंट करके रखा हुआ है। तो बात करें किंग की, तो किंग के यहाँ पर, किंग के साथ में तीन मेन लोग होते हैं, एक अमत्या जो कि ऑफिशियल मिनिस्टर है, एक सेनापति जो कि अदर लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए, फाइटिंग के लिए उसमें साथ में उसका साथ देने वाला, किंग का साथ देने वाला होता है, और पुरोहित जो कि रिलीजियस सेक्रीफाइस और सोशल ड्यूटीज परफॉर्म करवाता है।
देन अगला आता है रिपब्लिक. रिपब्लिक को गणसंघ भी बोला जाता है जनरली. अपार्ट फ्रॉम द मोनार्कियल महाजनपद द अदर पॉलिटिकल सिस्टम डेट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड वॉज डेट रिपब्लिक. ये मोनार्की के अलावा जो दूसरा सिस्टम है महाजनपदा के अंदर वो है आपका गणसंघ. गणसंघ देखने को मिल रहा है यहाँ पर. यानी गणसंघ इन लोगों का ग्रुप होता है यहाँ पर, वो मिलकर रूल करने वाले होते हैं. जैसे बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ना, ऐसे ही यहाँ पर गणसंघ होता है यहाँ पर. इन अ रिपब्लिक द पीपल चूज और इलेक्टेड द रूलर. यहाँ पर रिपब्लिक के अंदर जो पीपल हैं, जो सिटीजन हैं, वो अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं. पावर ले विद इन द पीपल ऑफ द स्टेट. पावर किसी पास माने जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके पास पावर आने वाली होती है. पावर ले विद इन द ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द स्टेट नॉट विद द रूलर. रूलर के पास नहीं है, फिर स्टेट के जो पीपल ऑफ स्टेट जो यहाँ पे पर्सन इलेक्ट किए गए हैं उनके पास पावर होती है. दीज रिपब्लिक वर लोकेटेड इन द लेस फर्टाइल ट्रैक्ट ऑफ लैंड. ये रिपब्लिक हैं ये आपके कहाँ देखने को मिलेंगे, जहाँ पर सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम देखने को मिलती है. दे आर मोस्टली कंसेंट्रेटेड एट फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, हिमालय हो गया या पंजाब हो गया, वहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं. सम ऑफ द वेल नोन रिपब्लिक वर दोज ऑफ विज और यादव. विज और यादव इसके बेस्ट एग्जाम्पल आप बोल सकते हो. दीज रिपब्लिक वर रूल्ड बाय अ चीफ नोन एज गणपति. और इनको रूल करने वाला चीफ है उसको गणपति के नाम से जाना जाता है. और ये जो पोजीशन है गणपति की ये हेरिडेटरी नहीं है, यानी कि आने वाले टाइम में वो रूल कर रहा है उसके बाद, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसका सन ही रूल करने वाला, नहीं कोई दूसरा पर्सन भी रूल कर सकता है. द गणपति वॉज कंसिडर्ड एज अ चीफ रेदर देन अ किंग. और गणपति जो है उसको चीफ मानते हैं, किंग नहीं मानते हैं यहाँ पर ये. देन जो अगला टॉपिक है वो है फोर्टिफिकेशन. फोर्टिफिकेशन की जब बात करते हैं, द महाजनपद हैड कैपिटल सिटी एज द सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. महाजनपद के अंदर कैपिटल सिटीज़ बनाई जाती हैं जहाँ पर द सीट ऑफ पावर एंड अथॉरिटी देखने को मिलती हैं, जहाँ से जो किंग है वो रूल करने वाला है, जो उसकी अथॉरिटी है वो कंट्रोल करने वाली है. देवर मोस्टली वेल फोर्टिफाइड. और ये सिटीज़ हैं ये काफ़ी फोर्टिफाइड होती हैं, ना किलाबंदी इसमें करके रखी रहती है. द फोर्ट्स वर बिल्ट अराउंड द कैपिटल सिटी. और कैपिटल सिटी के आसपास में फोर्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं. दो कारण है फोर्ट्स बनाने के. पहला है टू शो द पावर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द महाजनपद. महाजनपद की पावर और प्रॉस्पेरिटी दिखाने के काम में आ रहा है. दूसरा, इट विल प्रोवाइड अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट वेयर पीपल कुड लिव विदाउट द थ्रेड ऑफ रेड एंड इन्वेजन फ्रॉम आउटसाइड. यानी यहाँ पर एक सेफ और सिक्योर एनवायरमेंट दिया जाएगा जहाँ पर लूटपाट या कोई डकैती वगैरह नहीं होने वाली है. तो देयर वर कंटिन्यूस नीड टू एक्सपेंड द एरिया अंडर द कंट्रोल. और दूसरा, यहाँ पर ये चीफ का जो गणपति है उसको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा लगातार वो अपना जो एरिया है, जिसके कंट्रोल में एरिया है, उसको एक्सपेंड करता रहे. द नीड ऑफ टू फोल्ड. फर्स्टली अब ये बात करते हैं कि आपको पूछेगा कि यहाँ पर सर एरिया एक्सपेंड क्यों करना चाहिए इसको. इसके दो कारण हैं. फर्स्टली टू कैप्चर मोर टेरिटरी टू कैटर फॉर मोर लैंड. यानी जितनी ज़्यादा टेरिटरी ये कंट्रोल करेगा उतनी ही ज़्यादा लैंड इनको मिलने वाली है रूल करने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा लैंड इनके जो एनिमल्स वगैरह हैं या फिर एग्रीकल्चर के लिए मिल जाएगी, ताकि फूड की कमी नहीं होने वाली आने वाले टाइम में. जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की कमी यहाँ पर नहीं होने वाली है. सेकेंडली, टू शो द रूलर्स माइटी एंड पावर द अथॉरिटी. रूलर को रूलर की पावर दिखाने के लिए भी ये ऐसा कर सकते हैं. देन अगला टॉपिक है द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज. अब टेरिटरी को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये देख लें. मैनी राजा स्टार्टेड विद द प्रैक्टिसेस ऑफ रिचुअल्स नोन एज अश्वमेघ यज्ञ. अब यहाँ पर जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता है, जनरली यहाँ पर हॉर्स सेक्रीफाइस होता है, यहाँ पर वो करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने रामायण महाभारत में भी रामायण में देखा होगा कि जो भगवान राम है तो अश्वमेघ यज्ञ करते हैं. यहाँ पर उसमें होता है कि जनरली क्या है वो मतलब घोड़ा लेते जनरली और उसके ऊपर एक तख्ती लगा देते जनरली. उसमें लिख देते हैं कि अगर किसी भी किंग को मतलब इन जो भी जिस भी किंग को उस रूलर के रूलर से कोई प्रॉब्लम है या कोई आपत्ति है वो इस हॉर्स को पकड़ सकता है, इस घोड़े को पकड़ सकता है, और उसके बाद उसे उस राजा की आर्मी से फाइट करना पड़ेगा. तो इस तरह के जो यहाँ पर एक्सपेंशन है टेरिटरीज के अंदर ये देखने को मिल रहे हैं राजा के द्वारा. ठीक है. मैनी राजा स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स नोन एज अश्वमेघ यज्ञ और हॉर्स सेक्रीफाइस, इसको बोल सकते हैं. दिस वॉज अ ग्रैंड रिचुअल. और ये एक ग्रैंड रिचुअल माना जाता है विच वॉज ऑर्गेनाइज टू कैप्चर मोर टेरिटरी. और टेरिटरीज को ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करने के लिए, यानी जो वो घोड़ा उन्होंने छोड़ा है किंग ने, वो जहाँ जहाँ जाएगा वो पूरा एरिया उस किंग के कंट्रोल में आ जाएगा. इन दिस सिस्टम द राजा परफॉर्मिंग द यज यूज टू सेंड अ हॉर्स विद हिज एम्बलम टू रोम फ्रीली इनटू द नेबरिंग टेरिटरी. द हॉर्स वॉज फॉलोड बाय अ स्मॉल एरिया और डिपेंडेंट ऑफ द हॉर्स. अब ये बात करते हैं यहाँ पर जो घोड़ा राजा ने छोड़ा है उसके साथ में थोड़ी सी आर्मी भी भेजी जाती है. अगर वहाँ पर कोई रोकने वाला होता है तो आर्मी से उसे फाइट करना पड़ता है.
फ्रॉम वेयर द हॉर्स मैनेज टू पास थ्रू अनअपोज और अनरजिस्टर्ड वॉज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज कैप्चर. जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ वहाँ वाला जो एरिया है वो राजा के कंट्रोल में आ जाएगा. एनी स्मॉलर राजा और पर्सन हु डेयर टू स्टॉप द हॉर्स वॉज एक्सपेक्टेड टू फाइट द राजा परफॉर्मिंग द यज एंड हुएवर वन द बैटल ऑक्यूपाई द अदर टेरिटरी. जो भी जीतेगा उस युद्ध में वो टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेगा. तो इस तरह से यहाँ पर जो किंग है वो आपके एक्सपेंशन अपने एम्पायर को करते हैं, अपने एम्पायर को एक्सपेंड वो करते हैं. देन अगला टॉपिक आता है मेंटेनिंग द आर्मी. अब ये भी बात करेंगे कि एम्पायर को तो एक्सपेंड कर लिया है, टेरिटरी को एक्सपेंड कर लिया, लेकिन साथ में आर्मी को मेंटेन करना जरूरी होता है. टू मेंटेन सच वास्ट टेरिटरी, मतलब बहुत बड़ी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए, है ना, उसको मतलब सेफगार्ड करने के लिए यहाँ पर जो किंग है उसको अपनी आर्मी को मेंटेन करना कंपलसरी हो जाता है. टू मेंटेन सच वास्ट टेरिटरी एंड सेफगार्ड द पॉपुलेशन, द राजा हैड टू मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ आर्मी एंड दिस नीड फूड एंड आर्म्स फॉर दैम. और इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट भी होती है, आर्म्स हथियार की रिक्वायरमेंट भी होती है. सच रिक्वायरमेंट कोज राजा टू इम्पोज टैक्सेज ऑन द पब्लिक. और उसको अरेंज करने के लिए, फूड और आर्म्स को अरेंज करने के लिए जो किंग है वो पब्लिक के ऊपर टैक्स वगैरह लगाता है ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सके. हाउएवर देयर वर मैनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन द स्टेट. और कुछ भी और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं जो राजा को देखने पड़ते हैं. जैसे यहाँ पे स्टेट्स के लिए, जैसे मेकिंग फोर्ट्स बनाने के लिए, हॉस्टल बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, स्ट्रीट्स बनाने के लिए, विच ऑल्सो हैड टू बी फंडेड. और उसका भी फंड आना चाहिए. देयरफॉर देयर वॉज नीड टू स्टार्ट विद अ सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन. तो यहाँ पर किंग क्या करता है, टैक्स कलेक्शन स्टार्ट कर देता है. ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द टैक्स. और यहाँ पर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाए टैक्स कलेक्ट करने के लिए. देन जो अगला टॉपिक आता हुआ है टैक्सेशन. टैक्सेशन की बात करते हैं. द कलेक्शन सिस्टम ऑफ वॉज ग्रेजुअली फॉर्मलाइज. जो कलेक्शन सिस्टम है फॉर्मलाइज तरीके से, यानी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट बना के और उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता है. द फार्मर वर रिक्वायर्ड टू पे 1/6 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर टैक्स. और फार्मर्स को जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/6 पार्ट राजा को देना पड़ता है. द अदर लाइक क्राफ्ट पर्सन गेव द पार्ट ऑफ देयर सर्विस फ्री ऑफ चार्ज टू राजा. और जो क्राफ्ट पर्सन है वो सर्विस के, जो भी उनकी सर्विस है उस सर्विस को फ्री ऑफ चार्ज राजा को प्रोवाइड करने वाले हैं. दिस मीन्स द पर्सन यूज टू वर्क फॉर द किंग फ्री ऑफ चार्ज और फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ. और यहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन है उसको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यानी 10 दिन या 5 दिन जो भी है, उसके हिसाब से मतलब टैक्स के हिसाब से उसको राजा के लिए फ्रीली वर्क करना पड़ेगा. सिमिलरली द हेडर्स एंड द हंटर. और जो हेडर्स हैं, जो हंटर हैं, उन्हें जो भी पोर्सन उनके पास में है उसका जो भी प्रोड्यूस वो कर रहे हैं वो टैक्स के फॉर्म में राजा को देना पड़ेगा. द ट्रेडर्स ऑल्सो पे अ टैक्स एज अ पोर्सन ऑफ देयर इनकम फ्रॉम द ट्रेड. और ट्रेडर्स को भी अपने ट्रेड से कुछ पोर्सन किंग को देना पड़ता है. देन अगला टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग सेंटर. अब बात करें करेंसी और जो ट्रेडिंग सेंटर किस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं. एज ट्रेड इंक्रीज इन वॉल्यूम, जैसे ट्रेड बढ़ेगा उसके हिसाब से जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें भी चेंज लाने जरूरी हैं. जैसे स्टार्ट करते हैं, एज द ट्रेड इंक्रीज इन वॉल्यूम देयर वॉज अ नीड फॉर इकोनॉमिक सिस्टम. तो ट्रेड जैसे बढ़ रहा है तो इकोनॉमिक सिस्टम को भी चेंज करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है. द बार्टर सिस्टम शुड नॉट बी सस्टेन. जो बार्टर सिस्टम वो सस्टेन नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर क्या किया, पंच मार्क कॉइन, यानी सोने, यहाँ पर कॉइन्स वगैरह जो किंग है वो यहाँ पर स्टार्ट कर देता है. यानी पहले बार्टर सिस्टम क्या होता था कि जैसे मेरे पास कोई भी एक प्रोडक्ट है और दूसरे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है, वो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे, उसे बोलते हैं बार्टर सिस्टम. लेकिन बार्टर सिस्टम तो यहाँ पर चलने वाला नहीं है. तो यहाँ पर किंग ने क्या किया, पंच मार्क कॉइन, यानी राजा ने यहाँ पे कॉइन वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि करेंसी की तरह यूज़ करने वाले हैं. ग्रेजुअली सर्टेन रीजन्स डेवलप एज अ ट्रेड सेंटर. आने वाले टाइम में बहुत सारे रीजन जो ट्रेड सेंटर की तरह बन चुके हैं, जैसे वैशाली है, अयोध्या है, मथुरा है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर थे अर्ली टाइम में. देन जो अगला टॉपिक है वो है सोशल लाइफ. सोशल लाइफ की बात करते हैं. सोसाइटी को उस समय 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा था, वर्णा बोलो या कास्ट बोलो, ब्राह्मीण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. कितने पार्ट में, सोसाइटी, सोशल लाइफ जब बात करते हैं, सोसाइटी उस समय वहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है. वर्णा बोलो या कास्ट बोलो, ब्राह्मीण से आ गए, क्षत्रिय आ गए, है ना, वैश्य हैं और शूद्र हैं. मैरिज और ईटिंग टुगेदर वॉज प्रोहिबिटेड बिटवीन 2 डिफरेंट कास्ट. और 2 डिफरेंट कास्ट के लोग ना तो मैरिज कर सकते हैं ना ही एक दूसरे के साथ बैठे खाना खा सकते हैं. सेपरेट लोवर मेड फॉर डिफरेंट वर्णा. और अलग अलग लोग बनाए गए हैं अलग अलग वर्णा के लिए. ब्राह्मीण क्षत्रिय वर एक्सपेक्टेड टू सो हाइयरनेस मॉरल कंडक्ट.
अब यहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं और जो क्षत्रिय हैं उन्हें मोरल कंडक्ट जो होता है, उनकी जो मोरल वैल्यूज़ काफ़ी हाई होती हैं, और जो पनिशमेंट है वो शूद्र वगैरह को ज़्यादा दी जाती है, यानी काफ़ी जो मतलब हार्श पनिशमेंट की बात करें वो शूद्र कास्ट को यहाँ पर दी जाती है। दिस पीरियड सो द राइज ऑफ टू न्यू रिलीजन। अब इस पीरियड में यहाँ पर दो नए रिलीजन, दो नए धर्म देखने को मिल रहे हैं, पहला बुद्धिज्म, दूसरा जैनिज्म। देन लास्ट टॉपिक के चैप्टर का वो है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं, द महाजनपद वर लार्ज टेरिटरी। जब महाजनपदा होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी टेरिटरी है, और देयर फॉर टू प्रोटेक्ट देम, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अ लार्ज नंबर स्टैंडिंग आर्मी वॉज टू मेंटेन बाय द किंग, और राजा है उसको एक बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करनी पड़ती है। द सोल्जर्स वर गिवन रेगुलर सैलरी, सोल्जर्स को लगातार सैलरी मिलती है किसी फॉर्म में, पंच मार्क कॉइन की फॉर्म में उनको सैलरी मिलती है, और सेनापति उनका कमांडर इन चीफ होता है आर्मी का। यानी बात कर दोबारा, महाजनपद एक लार्ज टेरिटरी है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़ी आर्मी मेंटेन करनी है, और आर्मी को जो किंग है, जो सोल्जर्स को जो किंग है वो क्या देता है, सैलरी देता है कॉइन्स की फॉर्म में, और उनका जो आर्मी का लीडर है उसे सेनापति बोलते हैं, जिसको कमांडर ऑफ चीफ, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी बोला जाता है। उसके बाद जो मगधा है वो टॉपिक, जो केस स्टडी है, ये आपका सिलेबस से कट हो चुका है 7th क्लास के लिए, है ना, और अंग और जवाजी है वो भी आपका सिलेबस से कट हो चुका है। देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।